गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास टू का मैथ बताने जा रहा हूँ, जिसमें चैप्टर है प्ले विथ मैथ वन। पहला क्वेश्चन है ए नंबर, फिल इन द करेक्ट नंबर इन इच सर्कल। इसमें क्या करना है, इस सर्कल दिया है, इस सर्कल में आपको एबैकस को देखकर जवाब देना है, जिसमें फर्स्ट एबैकस में देख रहे हैं टेंस और वंस है। तो पहले वंस का नाम एबैकस काउंट करें तो वन टू टू, उसके बाद टेंस का एबैकस में है वन टू थ्री, थ्री एबैकस यानी थ्री, यानी थ्री टेंस एंड टू वन 32। इसी तरह सेकेंड नंबर में है एबैकस वंस है वन टू थ्री, थ्री वंस एंड टेंस में है वन टू थ्री फोर एबैकस। तो यहाँ जाएगा फोर फोर वन, फोर टेंस एंड थ्री वंस 43। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम्पल 65। 65 का आपको बॉक्स में भरना है 65 यानी 6 टेंस एंड 5 वंस 65। यहाँ नंबर में जाएगा 6 एंड 5 या 74 में 7 टेंस एंड 4 वंस 4 वंस 74। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, राइट द नंबर्स नेम ऑफ द फ्लोरिंग। इसमें क्या करना है, नंबर्स दिया हुआ है, नेम लिखना है। तो 97 फर्स्ट नंबर 97। इसके बाद अरेंज द फ्लोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम सजाने के लिए सबसे पहले करेंगे हम कि यहाँ देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट टेंस टेंस का नंबर देख लेंगे। स्मॉलेस्ट टेंस का नंबर 2 है, उसके बाद 3 से ग्रेटर है, उससे ग्रेटर 4 है, फिर यहाँ भी 4 है और 7 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट टेंस का नंबर 2 और उसके साथ है 9 29 29 29 29। उसके बाद है 37 यानी 3 टेंस का नंबर है और उसके साथ 7 है 37 37 29 स्मॉलर देन 37। उसके बाद टेंस का नंबर 4 यहाँ भी 4, यहाँ वंस का नंबर 3 है, यहाँ वंस का नंबर 6 है, इसलिए 43 ग्रेटर देन 37। तो यहाँ हो जाएगा 43 37 स्मॉलर देन 43। आप 43 एंड यहाँ 46, यहाँ वंस का प्लस 3 एंड यहाँ वंस का प्लस है 6, यहाँ 43 स्मॉलर देन 46 एंड देन लास्ट 75 यहाँ जाएगा 46 स्मॉलर देन 75। क्वेश्चन नंबर ई, ई में है अरेंज द फ्लोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या करना है, जो संख्या दिया हुआ है उसको घटते क्रम में सजाना है। तो इसमें भी यही काम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर का टेंस देखें। टेंस का ग्रेटेस्ट नंबर 8 है, उससे स्मॉलर 7 है, उससे स्मॉलर 6 है, उससे स्मॉलर 4 है, उससे स्मॉलर 2 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 83 ग्रेटर देन 76
76 greater than 65, 65 greater than 42, and 42 greater than 27. यहाँ हो गया 83 बड़ा है 76 से, 76 बड़ा है 65 से, 65 बड़ा है 42 से, और 42 बड़ा है 27 से, यानी घटते क्रम में आया ये आपको। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें करना है कि आपको जो संख्या लिखा है उसका नंबर लेना है, 3 10 and 5 1 30 3 10 30 and 5 1 5 30 5, इसको नंबर भी लिखेंगे 30 5। उसके बाद है जी नंबर क्वेश्चन, राइट द नंबर जस्ट बिफोर। इसमें क्या करना है कि संख्या का पहले की संख्या क्या होगा उसको लिखना है, तो 30 के पहले कौन सा नंबर आता है, हम 30 लिखते हैं, 27 28 29 30 31, तो 30 के जस्ट बिफोर 29 आता है, यहाँ पर लिखेंगे 29। इसके बाद 88 है, इसके जस्ट बिफोर रहेगा 87। उसके बाद राइट द नंबर जस्ट आफ्टर, इसमें क्या करना है बाद की संख्या लिखना है, 49 हम लिखते हैं, 48 49 50 51। तो हम देखते हैं कि 49 के जस्ट आफ्टर 50 आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 50, इसमें 57 के जस्ट आफ्टर 58। उसके बाद है राइट क्वेश्चन नंबर आई है, राइट द नंबर इन बिटवीन, बीच की संख्या क्या होगा, तो बीच की संख्या लिखना है वो राइट 8 10 10, यानी 8 9 10, 8 and 10 के बीच में संख्या 9 आ रहा है, ये यहाँ 9। उसके बाद है 67 10 69, 67 68 69, ये 67 and 69 का बीच 68 आया, 68। ये हो गया आपका चैप्टर फर्स्ट का ए से लेकर आई तक क्वेश्चन, जिसमें आपको ये एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल से आपको जो क्वेश्चन है आपको व्हाट्सएप द्वारा डाला जाएगा, उसको आप बनाइएगा कॉपी उतार कर, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सोल्व करके व्हाट्सएप द्वारा डाल सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 3235 8235 8235 257227। आप इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को सोल्व करके और व्हाट्सएप द्वारा मैं इस व्हाट्सएप नंबर पर हम दे सकते हैं, बनाकर हम चेक करके आपको फिर व्हाट्सएप में जवाब हम दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको टेबल भी याद करना है, टेबल 2 से 5 तक टेबल याद करना है, और टेबल याद करके उसको भी लिख कर व्हाट्सएप द्वारा डालिए, उसे हम देखें आप क्या कर रहे हैं बैठकर। जैसा